अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज आप देख रहे होंगे कि उस तरफ जो है फ्रेस्को बैकरी है, और उसके बिल्कुल सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर होगा एक भाईजान इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, और उसके नीचे कुछ अजीब से डब्बे आपको लग रहे होंगे, जो आप सोच रहे होंगे कि भाई गेलन का ज़माना हुआ तो पुराना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये पुराना नहीं हुआ है। गेलनों ने फिर एंट्री मार दी है कराची में, पानी के साथ साथ ये गीज़र की लाइन में भी आ गए हैं। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर ये ब्लू गैलन मौजूद हैं और मुख्तलिफ साइज़ के अंदर हैं, और इसके नीचे आप नोज़ल देख रहे होंगे, ये नलका देख रहे होंगे, और साथ ही मैं आपको एक एलिमेंट दिखाता चलूँ, ये है इसका एलिमेंट है, और ये जो इसके अंदर लगाते हैं पानी गर्म करने के लिए, ये इन्होंने इसको एक जुगाड़ के साथ बनाया है। आपको पता है कि पाकिस्तान जुगाड़ में बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो ये वही जुगाड़ी काम है, और जुगाड़ी काम से गैलनों के साथ गीज़र को तश्कील दे दिया गया है। यहाँ पर भाई का नंबर लिखा है, जो मेरे दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, वो वीडियो देख कर इसे रब्ता करना चाहें तो रब्ता भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको वीडियो स्टार्ट से पहले ये बताता चलूँ कि ये बिजली भी बहुत कम लेता है, और गैस, अब तो आपको पता है गैस की लोड शेडिंग कितनी है, और आने वाले वक्तों में गैस कितनी महंगी होगी और इससे कितनी बचत होगी, तो चल के पता करते हैं भाई से। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। भाई कैसे हैं आप, दिखा के? अल्हम्दुलिल्लाह, आप चलाएँ खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आप क्या दिखाने वाले हो, अपनी पहले लोकेशन हमें ज़रूर बता दीजिएगा। लोकेशन हमारी बहुत आसान है, आराम बाग के ऊपर हमारी दुकान है, भाईजान इलेक्ट्रिक के नाम से, नियर फ्रेस्को बेकरी है, भाईशानी स्वीट फ्रेस्को बेकरी आपको सामने ही नज़र आ जाएगी, यहाँ पे किसी से पूछ ले। जी हाँ, भाईजान इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस वक्त जो है, क्या ऐसा दिखा रहे हैं, इस वक्त जो है सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो सर्दियों के अंदर सबसे ज़्यादा गर्म पानी का मसला होता है, गैस की शॉर्टेज है हमारे यहाँ, तो गैस है नहीं, बिजली भी बड़ी सर्दियों में कम तो जाती है, लेकिन बिजली अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जो गीज़र इस वक्त चल रहे हैं, जो 3000 वाट लेते हैं और 4000 वाट लेते हैं, 3500 वाट, 2700 वाट लेते हैं, तो हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए कम कीमत के अंदर अपना गीज़र मुतारिफ कराया। ये हमने बनाया ड्रम के ऊपर गीज़र, ये ड्रम गीज़र बनाया, ये ड्रम पे इस तरीके से बन गया, जो गीज़र आपके गीज़र एलिमेंट के अंदर आपका ये शो होता है, गीज़र के अंदर ही ये रॉड लगी हुई है इसके अंदर, जो कि 1000 वाट में, 1500 वाट में दस्तियाब होती है, 2000 वाट में जिस तरीके से आप लेना चाहें, जितने वाट आपको चाहिए उस वाट की रॉड लगा के आपको इसमें देते हैं। हम जो इस वक्त रॉड लगा रहे हैं वो 1000 वाट की है, ठीक है। इसके अंदर ये नलका लगाया हुआ है हमने, ये रॉड इसमें फिट हुई है। आगे दिखा दीजिए, इसमें नलका लगा हुआ है और एक रॉड लगी हुई है, ये रॉड कितनी बिजली लेती है? ये रॉड 1000 वाट लेती है, मतलब एक घंटे में आपका एक से डेढ़ यूनिट खाती है ये। हाँ, और उसमें कितना पानी गर्म होता है? इसमें 30 लीटर पानी गर्म होता है, 30 लीटर पानी 15 से 20 मिनट में आपका गर्म हो जाता है। पानी में जाएगी तो खतरनाक हो जाएगा? नहीं नहीं, मैं अभी आपको चेक करा के भी दिखा देता हूँ, पानी वगैरह भरूंगा इसके अंदर, ऑन करके नलके से पानी निकाल के हाथ लगा के आपको चेक कराऊंगा कि इसमें करंट वगैरह नहीं होता। ये सारी चीज़ ये बताइएगा, ये पहले किसी के पास है ही? ये पहले तो किसी के पास नहीं, हमने ही बनाया, साल पहले हमने ही बनाया था, इसको इंट्रोड्यूस कराया था, पहले जो है लोगों को बताया गया, कुछ कम क्वांटिटी के अंदर ये सेल हुआ, फिर उसके बाद माशाल्लाह से अब जो है हमारे बलूचिस्तान भी जा रहे हैं, तुर्बत भी जा रहे हैं, गवादर भी जा रहे हैं, तो इसकी रनिंग जो है माशाल्लाह काफ़ी हो गई है, रोज़ के पीस बिक रहे हैं हमारे। मतलब ये 40 लीटर के अंदर है, ये जो पहले मैंने आपको दिखाया है 30 लीटर में था, इसके बाद 100 लीटर के अंदर है, एलिमेंट सब में वही 1000 वाट का लगा हुआ है। और कितनी देर में, अगर जितना बड़ा होगा कितनी देर में गर्म हो जाएगा पानी? 30 लीटर वाला जो है वो 15 से 20 मिनट लेगा, ये 25 से 30 मिनट लेगा, 40 लीटर वाला, 100 लीटर वाला 45 से 50 मिनट लेगा। और 100 लीटर में कितनी बिजली चली जाएगी, कितनी देर लगेगी हमें? 45 से 50 मिनट लगेंगे इसको गर्म होने में, 45 से 50 लीटर। हाँ, मतलब 100 लीटर आपका एक घंटे के अंदर अगर तैयार होता है तो आपका एक से डेढ़ यूनिट जाएगा, एक से डेढ़ यूनिट। तो क्या तरीकेकार है हमें इसमें गर्म करने? इसमें करना कुछ भी नहीं, आपने नॉर्मली आपने पानी भरना है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे दो तारे लगती हैं, इसकी दो तारे लगा के इसको, ये कनेक्शन है इसके, ठीक है, ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है, जितने सेंटीग्रेड पे आपने रखना है इसको, 40, 60, 80, 100, ठीक है, जिस पे आप रखेंगे उतने में पानी गर्म होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा ये। ऑटो बंद हो जाएगा? जी हाँ, ऑटो बंद हो जाता है, गर्म होने के बाद पानी, गर्म होने का पानी जैसी टेम्परेचर जो आपने सेट किया हुआ उस पर गर्म होगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अच्छा, बाज़ लोगों ने हमें कंप्लेंट करी कि यार आपने नल बहुत ऊपर लगा दिया, पानी नीचे रहेगा, तो उसकी वजह ये थी कि एलिमेंट का जो है वो पानी के अंदर होना ज़रूरी है, अगर घर वाले यहाँ से पानी खोल के निकाल लेते हैं और प्लग लगा हुआ है,
अगरचे इसके अंदर पानी नहीं होगा तो इसका एलिमेंट जल जाएगा, ठीक है। और अगर ये पानी में होगा, एलिमेंट पानी को गर्म करेगा और ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगा, बंद हो जाएगा, इससे आपकी जो है रॉड सेफ रहेगी। मैं बिल्कुल अभी आपको चेक करवा देता हूँ पानी गर्म करवा के। अभी हम इसमें पानी भर के आपको चला के चेक कराएंगे। और ये गलेगा भी नहीं खारे पानी से? नहीं नहीं, सादा पानी है ना? जी जी सादा पानी है, चेक कर ले। अभी इसमें आपको तार लगा बेटा, बोर्ड इधर उठा ले अली का, जरा वायर लगा दिए गए हैं, वायर लग गए। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है। हाँ, और सिंपल ये वायर लग गया है। वायर लगने के बाद अच्छा ये देखें, यहाँ पे करंट आना शुरू हो गया, इसको मैंने फुल पे सेट कर दिया है। अच्छा, ये इंडिकेट करेगा कि करंट ले रहा है? हाँ, ये इंडिकेट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये पानी के अंदर आप देख सकते हैं बबल बन रहे होंगे रॉड पे। इसको दो मिनट के लिए अगर हम ढक्कन ढक देंगे तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा। तो वैसे आप देखें, आपको भाप नज़र आ रही होगी हल्की हल्की, या स्टीम वैसे रखेंगे हाथ तो गर्माइश महसूस होगी। तो उसको कैप लगा दें ताकि ये जल्दी गर्म हो जाए। अच्छा देखें, ये ऑन है अभी भी, ठीक है, ये तो चल रहा है अपनी जगह। ये मैं आपको करंट चेक करा दूँ इसका। ये पानी में करंट नहीं होता इसके, अगर आप हाथ लगाएं तो देखें पानी भी गर्म हो चुका है। और मैं चेक करूँगा कि पानी, हाँ भाई पानी गर्म होने लगा है। इसमें इस तरह डायरेक्ट इस्तेमाल करते हो और करंट आ रहा हो तो कोई खतरा तो नहीं? कोई भी इशू नहीं है, आपके सामने अभी चेक भी करा दिया मैंने ऑन करके, पानी भी गर्म हो गया जल्दी और करंट भी नहीं लगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीज़ें पहले इसको साल दो साल पहले चेक किया गया, उसके बाद इसको बनाया गया। अच्छा, पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया? जी बिल्कुल, पहले सारी चीज़ें इस्तेमाल करी है, घर में लगा के चेक किया, उसके बाद जो है इसको मार्केट में लेकर आया। नहीं नहीं, आप जितना टेम्परेचर सेट करेंगे इसका, 40, 60, 80 तक इसका टेम्परेचर है, 80 पे आप इसको सेट कर दें फुल के ऊपर, पानी जब फुल गर्म हो जाएगा उसके बाद अब ये खुद ही ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। अच्छा, ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा? जी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। इसके प्राइस बताते चलिए कि आपने? अच्छा ये 30 लीटर के अंदर है, 30 लीटर में पड़ेगा आपको 2700 रुपये का, 2700 रुपये में। ये 40 लीटर है, ये पड़ेगा आपको 3000 रुपये का। इसी तरह ये 100 लीटर के अंदर है, ये आपको पड़ेगा 4500 रुपये का। ये चार साइज़ है, तीन साइज़ है? तीन साइज़ है हमारे पास, 30 लीटर, 40 लीटर और 100 लीटर के अंदर। तो आप ऑनलाइन भी करते हैं? ऑनलाइन तो नहीं करते, लेकिन अगर किसी कस्टमर को चाहिए एड्रेस है, अगर कोई बाहर गए हैं तो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वो हमें पेमेंट लगा दें ऑनलाइन, और जो है हम उनको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भेज देते हैं। डिस्काउंट कितना देंगे भाई? भाई डिस्काउंट ये आप यकीन करें 3000 रुपये का, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें 3000 रुपये से स्टार्ट लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज करी हैं, मार्केट में कम का भी मिल जाएगा, लेकिन आपको इशू पता क्या आएगा, उसमें एलिमेंट हल्के भारी है। इस एलिमेंट में लगाएंगे मैं आपको 2500 रुपये का भी दे दूंगा, 2400 रुपये का भी दे दूंगा। ये एलिमेंट भारी है, भारी एलिमेंट में लगाया इसलिए आपको 2700 और 3000 रुपये का दे रहा हूँ। नहीं नहीं ख़राब नहीं होता ये। किस चीज़ का है ये? कॉपर। ये कॉपर का बना हुआ है? जी हाँ। खारे पानी से कोई आप कहने खराब? ख़राब नहीं होता। खारा करें या गर्म? पानी गर्म करें, इस्तेमाल करें ना, फिलहाल तो सर्दी है। जब ख़राब होगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ऐसे नहीं कि ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी ख़राब होने वाली चीज़ होती है, ख़राब होती है फिर दोबारा मिल जाता है 1000 रुपये का ये। तो इसमें मेन रामबाग के ऊपर शॉप है, नियर प्रेस्को बेकरी, भशानी स्वीट, आपको नज़र आ जाएगी भाईजान इलेक्ट्रॉनिक। आप इवन सदर में भी खड़े होंगे ना तो आपको नज़र, आप किसी से भी पूछेंगे कोई भी बता देगा कि भाईजान इलेक्ट्रॉनिक कहाँ पर है। बहुत शुक्रिया, जदाकल्ला।